बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है। सिवनी में नेशनल हाईवे 7 पर बंजारी के पास गुरुवार तड़के विपरीत दिशा में जा रहे दो ट्रकों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद भड़की आग में दोनों वाहनों के ड्राइवर जिंदा जल गए, जबकि घायल क्लीनरों ने वाहनों से कूदकर अपनी जान बचाई। छपारा गणेशगंज के बीच फोर लेन सड़क का डिवाइडर क्रॉस कर मौसम्बी से भरा ट्रक विपरीत दिशा में चावल लेकर जा रहे ट्रक में जा घुसा। मौसम्बी का ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर क्रॉस करने के बाद चावल से लोडेड ट्रक को टक्कर मारने के बाद भी कई फीट तक घसीटता चला गया और चावल से भरा ट्रक पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के केबिन में हादसा होते ही आग भड़क गई। आग ने ट्रक ड्राइवरों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिया। ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवरों की आग में जलने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार घायल क्लीनरों ने वाहन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा पाई। मौके में पहुंची छपारा पुलिस ने लखनादौन से फायर ब्रिगेड बुलाकर ट्रक में लगी हुई आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझ पाई तब तक दोनों ट्रक ड्राइवर भीषण आग में जल चुके थे। 3 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। यहाँ से लखनादौन जाने वाले नेशनल हाईवे दो ट्रकों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसमें से 3 से 4 लोग घायल हैं, जो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, और 2 लोग अलग अलग ट्रकों में टक्कर लगने से जलकर मौत हो गई है। फिलहाल रोड क्लियर कराया जा रहा है और बॉडी हटाई जा रही है यहाँ से। हाँ, दमकल आग दोनों ट्रकों में आग लग गई थी, तो लखनऊ से दमकल वाहन बुलाया गया है और आग बुझाकर बॉडी हटाने का काम किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।